चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज रहे होंगे, मैंने देखा नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, और स्टेशन किस लिए जा रहे हैं? सासू माँ को लेने जा रहे हैं। और मैंने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बट 2-3 दिन से प्लानिंग बन गई थी कि आ रही है माँ। वीडियो सोच रही थी बनाऊंगी आप लोग को बताऊंगी, बट फिर नहीं बन पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी ट्रेन आने ही वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं उनको लेने। और मेरा मन किया मैं भी चलती हूँ, दोनों लोग जाएंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी। और घर का मैंने सारा काम निपटा लिया है, नहा भी लिया, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा भगम भगाम हो गया है। मैं नहाने लगी और ये चिल्लाने लगे कि ट्रेन आने वाली है, चलो चलो जल्दी चलो। तो बस अभी हम लोग जाएंगे, और मुझे भूल गया है यहाँ से कितनी दूर में स्टेशन है, क्योंकि कभी जाना नहीं होता ना। बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग भी ट्रेन से ही जाएंगे, ट्रेन सबसे ज़्यादा सुटेबल रहती है और अच्छा भी लगता है मुझे, ट्रेन में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगली बार से अब ट्रेन में ही हम लोग घर जाया करेंगे। अभी तक ट्रेन नहीं चलती थी ना, इस वजह से गाड़ी से ही जाना होता था, वरना दोनों अगर ऑप्शन होते तो मैं ट्रेन के बिना नहीं जाती इतनी दूर, क्योंकि गाड़ी से ना थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो जाता है पूरा दिन। तो चलो मैं स्टेशन पहुँच जाती हूँ, इसके बाद फिर आप लोग से बात करूँगी। मास्क भी लगा ही लेते हैं। तो अभी हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और माँ को ट्रेन से नीचे भी उतार लिए हैं, और बस ये अभी ड्राइवर को बुला रहे हैं, क्योंकि माँ काफ़ी ज़्यादा बैग वैग लेकर के आई है ना। तो पहले तो हमें लगा कि हम ही लोग ले जाएंगे, बट फिर लगा कि ज़्यादा भारी है, तो उसको भी बुला लेते हैं। और अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माँ खड़ी हैं और मैं भी खड़ी हूँ, हम दोनों लोग बातें बातें कर रहे थे। मैं सब पूछ रही थी कि ट्रेन में आपको अकेले डर नहीं लगा क्या, कैसे, वही सब माँ बता रही थी। और अकेले आई है ना माँ ट्रेन में, इसलिए मैं ज्यादा उनको पूछ रही थी कि आपको डर नहीं लगा ट्रेन में। बाथरूम का भी नहीं था, बाथरूम चला घर जाएंगे। तो अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, मतलब बाहर ही आ गए हैं यहाँ पर, और अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। माना दूध दही जो भी पाई है सब लेकर के आ गई हूँ, और ये बहुत ना गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए मैंने ना बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था, क्योंकि इनको उठाना पड़ रहा था ना, और अगर इनको ज़रा से भी मेहनत पड़ जाती है ना, तो फिर वो काम इनके लिए सही नहीं इनको लगता है। तो ये माँ को डांट रहे थे कि दूध भी लेकर के आ गई हो, मट्ठा भी लेकर के आ गई हो, बट माँ बाप का यही तो प्यार होता है ना, वो अपने प्यार में दूध दही सब कुछ ले आई। तो अभी चलो हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं, गाड़ी आ जाए, जैसी गाड़ी हमारी आ जाएगी हम लोग तुरंत निकल लेंगे, क्योंकि अभी इनको ऑफिस भिजाना है, तो मुझे डोसा बनाना है, उसकी भी प्रिपरेशन करना है, मतलब काफ़ी हद तक तो मैंने कर लिया था, बट थोड़े बहुत तो मुझे करना है, चटनी बनाना है, आलू की जो फिलिंग होती है ना उसको भी तैयार करना है। हम लोग घर आ गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो इसमें डोसा मैं बना रही हूँ आज, क्योंकि माँ को भी काफ़ी ज़्यादा डोसा पसंद है और इनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लाइट वेट भी होता है प्लस टेस्टी भी होता है, और सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा ना हैवी नहीं खाया जाता है। तो कल से ही मैं सोच रही थी, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो आज भी मैं डोसा ही बनाती हूँ। और आने के बाद ना मैं तुरंत किचन में लग गई काम में, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है, इनको ऑफिस जाना है, वैसे 9:30 का टाइम है और 10 बजे इनको ऑफिस निकलना है, इसलिए ना मैं नहा करके गई थी, कि आकर के ना मुझे अगर नहाना होगा तो फिर बहुत झंझट सा लगेगा। और चलो अभी अब मैं आप लोग को अपना हेयर केयर रूटीन दिखा देती हूँ, कि आजकल मैं क्या शैम्पू यूज करती हूँ, कौन सा ऑयल यूज करती हूँ, तो चलो दिखाती हूँ।
तो गाइस अभी मैं यहाँ पर हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, और हेयर ऑयलिंग के लिए यहाँ पर मैं वॉई स्किन साइंस का आंवला हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ, और पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था यही ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। और अभी इसके बाद मैं मसाजर ब्रश यूज करूँगी, ये है वॉई स्किन साइंस का मसाजर ब्रश, ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपके हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। तो अभी बस मैं इसको करने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसके बाद फिर मैं शैम्पू अप्लाई करूंगी अपने बालों पे। ये आप लोग देख सकते हो इस मसाजर ब्रश की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, ये वाओ स्किन साइंस का मसाजर ब्रश है और काफ़ी अच्छा ब्रश है। जब आप इससे बालों में मसाज करते हो ना तो बहुत रिलीफ मिलता है। एंड गाइस अभी मैं यहाँ पे शैम्पू यूज कर रही हूँ, वाओ स्किन साइंस हिमालयन रोज शैम्पू, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें है रोज हाइड्रोसोल प्रो विटामिन B5, ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है और शाइनी बनाता है आपके हेयर को, और ये काफ़ी जेंटल शैम्पू है, इसको आप वीक में 3 टाइम से भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और गाइस इस शैम्पू में रोज फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी आपको रिलैक्स और फ्रेश फील कराता है। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो वाओ स्किन साइंस के सभी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, जैसे कि पैराबेन सल्फेट फ्री होता है। तो अभी मैंने शैम्पू कर लिया है और आज मैं कंडीशनर को स्किप कर रही हूँ। वैसे तो मैं वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज कंडीशनर यूज कर रही हूँ, तो इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें है रोज हाइड्रोसोल नेचुरल ऑयल है, ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है और काफ़ी बाउंसी बनाता है, शाइनी बनाता है आपके हेयर को। और इसमें भी रोज फ्रेग्रेंस है, जब आप यूज करते हो तो रोज की फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। आज मैं कंडीशनर को स्किप करके मैं यहाँ पर वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज हेयर मास्क यूज कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा हेयर मास्क है। अगर आपके हेयर बहुत ड्राई हो गए हैं, फ्रिजी से हो गए हैं, तो आप इस हेयर मास्क को वीक में एटलीस्ट एक बार ज़रूर यूज करें। इसमें भी है रोज हाइड्रासोल नेचुरल ऑयल्स हैं, ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो उनको सिल्की शाइनी बनाता है, और इसमें भी रोज फ्रेग्रेंस है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, जब आप शैम्पू करते हो ना उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा बालों को सुखा लेना है, तुरंत गीले बालों में इसको नहीं अप्लाई करना है। जब ये हल्के हल्के बाल सूख जाएंगे ना तभी आपको इस हेयर मास्क को यूज करना है, और इसको 15 मिनट तक लगा करके रखना है और अगेन आपको सिंपल पानी से धुल लेना है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके बाय कर सकते हो। मैंने डोसा बना दिया है और ये चले गए हैं, डोसा लेकर के भी गए हैं और खा करके भी गए हैं, ज़्यादा खा करके ही गए हैं। और दिखाऊं आप लोग को माँ क्या क्या लेकर के आई है, दूध इतना सारा, तभी तो ये गुस्सा हो रहे थे, मुझे लगा हो सकता है मैं भी थोड़े बहुत लेकर के आए होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के आई हैं, इसीलिए वो झोला ना बहुत भारी हो गया था इसलिए गुस्सा कर रहे थे। और दिखाऊं आपको ये एक ये बॉटल में मट्ठा, थोड़ा सा भी ग्लास में निकाल लिए हैं क्योंकि आंटी को भी देंगे हम, और ये इसमें दही है, एक डिब्बा और दही है, ये आप देखो बताओ भला, मतलब इतना बड़ा डब्बा, एक डब्बे ये पूरा दही लेकर के आई है, एक ये वाला डब्बा और इसमें पूरा दूध लेकर के आई थी, और एक हाँ ये बॉटल में मट्ठा। अब बताओ मतलब मुझे तो ना मतलब इनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि ट्रेन में चलो ठीक है वहाँ तो मतलब बैठा दिए थे ना, तो बट फिर भी थोड़ा सा गट्स चाहिए इतना सारा सामान लेकर के ट्रेन में बैठ जाना, वो भी अकेले, तो माँ अकेले ही आई हैं। और मैं सोच रही थी कि एक दो डिब्बा लेकर के आई होंगी, इस वजह से ये इन पर फालतू में नाराज हो रहे हैं, बट अभी समझ में आ रहा है कि इतना भारी था। और हम आप लोग को बहुत सारा सामान ये सब भी लेकर के आई हैं, पापड़ है और चिप्स भी हैं। तो अभी माँ गई थी ना मामा मामी के यहाँ, तो वहाँ फिर मेरी प्यारी प्यारी नंदरानियों ने बनाया है ये सब चिप्स पापड़ वगैरह, और वही लेकर के यहाँ भी माँ थोड़ा सा आ गई है, और भी बहुत कुछ लेकर के आई हैं, और हाथ वाली रोटी बनाने का भी सामान लेकर के आई हैं, मीन्स तिल और बाजरे का आटा, बाजरे का आटा ही है ना, हाँ बाजरे का आटा ही है। और देखो अभी टाइम माँ को चाय पीनी है, तो मैंने पानी और अदरक चढ़ाया हुआ है, तो सिर्फ एक कप ही बनाऊंगी इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी चढ़ाया है। और फर्स्ट टाइम मैं आप लोग को अपने घर में ऐसे चाय बनाने वाला दिखा रही हूँ ना, क्योंकि हम लोग चाय पीते नहीं, तो कभी मैंने आज तक दिखाया ही नहीं। तो अभी अम्मा आ गई ना, तो रोज बनेगा चाय, बनेगा बनेगी चाय। आंटी को बहुत हंसी आ रही है।
इसको मैं रख देती हूँ और तो चलते हैं। और क्या बोलूँ, हाँ चलते हैं, मैं बिंदी लगा लेती हूँ वरना। हाँ जाइए, तो मैं ना एक बिंदी लगा लेती हूँ वरना ना माँ किसी भी टाइम पे टोंक सकती हैं। बिल्कुल छोटी सी है अभी, ठीक है। बाल कैसे हो रखे हैं अजीब से, तो ठीक है कोई बात नहीं। और मेरा डोसा बन गया है और मैंने माँ को भी खिला दिया है, तो वो अभी किचन में कुछ कर रही हैं, तो मैं तब तक खा लेती हूँ। और जो दूध दही रखा हुआ है ना, उसको माँ इधर से उधर सब सेट पेट करने में लगी हैं। बहुत टेस्टी बना है, और कितना पतला बना है दिखाऊं आपको। दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा है। और हम लोग ना डोसा खाने के बाद फिर सो गए थे, क्योंकि इतना हैवी खाने के बाद ना नींद आ गई थी। और पहले मैं और माँ बहुत देर तक बातें कर रहे थे, फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी से मैंने बात किया, फिर माँ ने बात किया, फिर इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू बातें कर रहे थे, सो गए थे। और अभी मैं सो कर उठी हूँ, तो मैंने ना जुगाड़ उगाड़ करके जो सिल वाला कूटने वाला होता है ना, उससे मैंने कूटा है। और ये बहुत अच्छे से नहीं पका है ना, दिखाऊँ आपको, मतलब बीचों बीच वाला है, तो ये थोड़ा सा ना इसको तोड़ने में दिक्कत हो रही थी। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सिल ना टूट जाए, इस वजह से बहुत संभाल संभाल के कूट रही थी, तो टूट भी नहीं रहा था। फिर थोड़ा सा जोर लगा के ही इसको तोड़ना पड़ा। और नमक मैं इसमें पहले से लगा ली हूँ, 5 मिनट हो गए। नमक लगा करके रख दो ना, तो वो थोड़ा सा ना नमक घुल घुल करके पूरा उसमें अंदर तक चला जाता है। और हम लोगों ने तो बचपन में बहुत खाया है मिर्ची वाला नमक, खूब सारी मिर्ची नमक सब कुछ पीस करके ना फिर इसमें लगा करके दोपहर में ही रख देते थे, और शाम के टाइम पे जब खाते थे ना, तो पूरा नीचे तक पहुंच जाता था उसका नमक और तीखापन सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता था। और कैथा इमली, कुछ 2-4 ऐसी चीज़ें हैं ना जो देखते ही ना मुंह में पानी सा आने लगता है, आने के बाद पैर आ ही जाता है। बहुत टेस्टी है, और काफ़ी दिन बाद मैं कैथा खा रही हूँ।